नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है कुछ फ्रूट्स, कैरेट और साथ में कॉर्न, और मैं बनाने जा रही हूँ एक बढ़िया चाट। तो फ्रूट चाट इसको हम कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये एक एप्पल को लूँगी और इस एप्पल को मैं काट लूँगी। थोड़ी सी हमको इसमें ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ये जो सेंटर की चीज है वो सीड्स अच्छे से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये एप्पल मेरा कट गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं ये ले रही हूँ एक केला। केले को मैं काट दूंगी। यहाँ पर देखिए, ये मेरी ट्रे ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसी के अंदर काटूंगी इसको। बहुत ही बढ़िया हेल्दी फ्रूट सैलेड बनके होगी तैयार। आपको खुद ही देख के अच्छा लग रहा होगा, मैंने इसमें अभी रखे हैं अनार के कुछ दाने, और मैं यहाँ पर ये केला रख रही हूँ। साथ में है थोड़ा मिंट लीव और कोरिएंडर, ताकि एक अच्छा सा स्वाद आए। और साथ में मैंने लिए हैं कॉर्न और नींबू का रस सेंटर में रखा है। तो ये देखिए, लाजवाब ये कट के फल हो गया तैयार। और अब हम चलते हैं सेब की कटिंग पर। तो देखिए, सेब के मैं कुछ इस तरह से बड़े पीस कर रही हूँ, स्क्वायरिश। झटपट बन के ये सैलेड होगी तैयार, और हमारी फ्रूट चाट बहुत ही माउथ वाटरिंग और स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं सारे एप्पल को झटपट इस तरह से काट लूंगी। हेल्दी डाइट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स, विटामिंस, प्रोटीन, एंड दिस इज हाउ वन शुड लिव इन दिस कोविड टाइम्स। सो सी, माई एप्पल्स आर रेडी, और अब मैं ये सेब यहाँ लगा देती हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक माई ट्रे वेरी वेरी कलरफुल, एंड आई होप यू विल ऑल्सो लव डूइंग इट। तो जितना भी आप डेकोरेटिव बनाएंगे उतना ही बढ़िया बन के होगा तैयार। तो सारे फल मेरे हो गए अब इसके अंदर, और ऑरेंज जो मेरे पास है, मैं इस ऑरेंज को सिर्फ डिस्क में काट रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल थिन डिस्क, ये देखिए है ना बढ़िया। तो बस ये डिस्क को मैं कुछ इस तरह से सजाऊंगी। है ना, ये बिल्कुल शानदार। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये ड्रेसिंग में मैं डालूंगी सामान। तो चलिए, अब हम ये कटिंग के बाद मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है मेरा प्यारा सा फ्रूट बोल, और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं डालूंगी ये थोड़े से कॉर्न्स। इस तरह से हम अपनी ड्रेसिंग बढ़िया और कलरफुल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया कुछ अनार के दाने, और मैं डालूंगी इसके अंदर ये बनाना। बनाना जब भी हम डालते हैं हमें जल्दी से यूज़ करना होता है, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर एप्पल। बहुत ही लाजवाब,
और इसके अंदर मैं रखूंगी थोड़ी सी कैरेट और मैं डालूंगी क्रंची करने के लिए थोड़ी सी ये रोस्टेड ग्राउंड नट। तो देखिए ये सब डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पत्ती और ये मेरा फ्रूट सैलेड तैयार हो रहा है ड्रेसिंग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं ड्रेसिंग बनाने के लिए। तो ये मैं लेमन स्लाइसेस रख दूंगी यहाँ और ये है मेरे पास लेमन जूस। इसके अंदर मैं डालूंगी ब्लैक सॉल्ट। जब भी आप फ्रूट्स चाट बनाएं या सैलेड बनाएं तो ज़रूर से इसको देखिए। और ये है ब्लैक पेपर और इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर चिली फ्लेक्स और जाएगा ओरिगेनो। अगर आपके ओरिगेनो नहीं है तो आप कोई भी इटालियन हर्ब ले सकते हैं। तो बस इसको लेने के बाद मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करूंगी और इसके अंदर मैं मिला दूंगी। अब हमें क्या करना है, अपनी फ्रूट सैलेड को इस तरह से मिलाना है। आप देखिए क्या बढ़िया हो गई तैयार। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये स्वीट लाइम। ये देखिए स्वीट लाइम मैं इस तरह से इसके अंदर डालूंगी। बहुत ही बढ़िया स्वाद। आप बस ये ध्यान रखिए कि सीड इसके अंदर ना जाए। स्वीट लाइम से बहुत ही बढ़िया टैंगी और अच्छा सा टेस्ट। तो ये खट मिट्टी सलाद मेरी बन के हो गई तैयार। और अब हम एक बार और इसको स्टर कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फ्रूट बोल हो गया तैयार, रेडी टू सर्व। आई होप यू विल एंजॉय दिस टुडे। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। और मैं डाल दूंगी, गार्निश कर दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ। सो आई थिंक इट्स अ वाओ रेसिपी। डू गिव इट अ ट्राई।